नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं गौरव सिटी, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल जी टेक की एक और अनबॉक्सिंग में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए Xiaomi का प्रोडक्ट, जो कि है Redmi का बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन सा फ़ोन है। तो गाइस, ये रहा आप लोगों का Redmi A1, जो कि Xiaomi ने बोला है इंडिया का स्मार्टफोन बजट सेगमेंट का फ़ोन है। तो इसकी करेंगे आज हम अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि फ़ोन और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। जैसे गाइज आप लोग देख रहे हैं, ये रहा बॉक्स जिसपे ऊपर लिखा है इंडियास नंबर वन एंड साथ में लिखा है मी का लोगो, बीच में फ़ोटो और नीचे लिखा है रेडमी A1। 5000 mAh की बैटरी है। दूसरे साइड पे इसमें तीन स्लोगन है जो कि Xiaomi अपने हर डिवाइस पे दिखाता है, और ये दूसरे साइड पे रेडमी A1। पीछे की साइड इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी है, तो स्पेसिफिकेशंस भी हम आपको बताते हैं। जैसा कि ये 6.52 inches की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है आप लोगों को, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 10W फास्ट चार्जिंग का जो वो है इसमें मिलता है, और MediaTek Helio A22 प्रोसेसर मिल जाता है विद LPDDR4X रैम के साथ। 8 megapixel का आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। इसके बाद हमें मिल जाती है 5 megapixel का फ्रंट कैमरा, बैक में लेदर का टेक्सचर मिल जाता है जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे। डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड आपको इसमें स्लॉट मिल जाता है, जिसमें 2+1 आप एक साथ लगा सकते हैं, जिसमें दो सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ लग जाता है। OTG सपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा। स्टोरेज जो है आप 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। स्प्लैश रेजिस्टेंट डिज़ाइन दे रखा है इसके अंदर। डुअल वोल्टी विद वॉल वाईफाई का सपोर्ट आपको मिल जाता है, और यूनिबॉडी कर्व बैक मिल जाता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग कर लेते हैं इसको ओपन, और ओपन करके देख लेते हैं डिवाइस कैसा है। तो ये हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है। तो आप बॉक्स देखेंगे तो बॉक्स की जो क्वालिटी है वो उस बॉक्स से मैच नहीं खा रही है जो एक पहले डिवाइस आते थे, जो रेडमी के मतलब देश के जो स्मार्टफोन के बॉक्सेस आते थे उससे मैच नहीं खा रही है। एक ही बॉक्स को पूरा बना दिया है। तो आप देख सकते हैं अंदर हमें मिलती है एक सिम इजेक्शन पिन, यहाँ पे हमें मिलता है एक वायर जो कि नॉर्मल है, टाइप सी वायर नहीं है, और साथ में हमें मिलता है 10W का अडेप्टर। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें हम लोगों को नहीं मिलेगी, नॉर्मल चार्ज करेगा। ये देख सकते हैं आप लोग टाइप सी चार्जिंग केबल इसमें नहीं है। बाकी इसके साथ हमें एक यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिलती है जो कि छोटी सी बुक है, आजकल छोटी 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 होती जा रही है। इसके साथ हमें जो इसका कवर है बैक कवर वो नहीं मिलता है, और बॉक्स की क्वालिटी में सही बताऊं तो काफ़ी अच्छी नहीं लगी मुझे, लेकिन नॉर्मल है तो ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने डिवाइस पे। तो ये रहा गाइस हमारा डिवाइस। इसमें 3 कलर अवेलेबल है, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू एंड ब्लैक कलर। हमारे पास है लाइट ग्रीन कलर, क्योंकि आप देख सकते हैं 8 megapixel का डुअल कैमरा सेटअप है, साथ में फ्लैश लाइट है, और आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा लेदर का टेक्सचर हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है लेदर टेक्सचर, मतलब लेदर का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है। हम फील करते हुए बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये ओरिजिनल लेदर नहीं है। आगे है 5 megapixel का कैमरा। चलिए इसको हम ऑन कर लेते हैं, और ऑन करके आपको इसकी जो सेटिंग है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है वो हम आप लोगों को बताते हैं। जब तक ये ऑन हो रहा है हम लोग इसे पूरा सेटअप करके आप लोगों के पास वापसी आते हैं जल्दी से। तो गाइस ये हो गया ऑन। तो आप देख सकते हैं जो इसके कलर है वो काफ़ी ब्राइट कलर है, हालांकि एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो कलर है काफ़ी मेरे को अच्छे लगे, जो नॉर्मल अभी जो फ़ोन चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके हम सेटिंग देख लेते हैं, सेटिंग का है, क्योंकि इसकी जो पूरी जो सेटिंग है और जो इसके थीम्स वगैरह वो MIUI जो चलता है उनसे अलग है, क्योंकि ये पूरा स्टॉक एंड्रॉयड आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें अब हम सेटिंग ढूंढते हैं, सेटिंग कहाँ पर है। ये सिस्टम ऐप अपडेटर हमें मिल गया है, लेकिन इसमें भी हमें सेटिंग नहीं मिली है।
कि पहले जो विदाउट स्टॉक एंड्रॉयड वाले फ़ोन है उसमें ऊपर ही आपको सेटिंग एंड सारी चीज़ें मिल जाती है, स्टोरेज आप लोगों को मिलता है। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है जो कि है 3 GB 32 GB का। इसके अलावा आप लोगों को और कोई वेरिएंट नहीं मिलेगा। जो इसका ओरिजिनल प्राइस है वो अंडर 7K के अराउंड है, लेकिन अभी जो दिवाली सेल वगैरह चल रही है तो ये आपको अंडर 6K मतलब 5400 या 500 के अराउंड आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से। MIUI 13 है इसमें, लेकिन ये MIUI पे नहीं चलता, ये चलेगा स्टॉक एंड्रॉयड पे। मतलब एक नॉर्मल जो बजट सेगमेंट फ़ोन है उस नॉर्मल अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो गाइस हमें मिल गया अबाउट फ़ोन। तो अबाउट फ़ोन में आप देखेंगे एंड्रॉयड वर्जन है 12, जो कि इसको हम क्लिक करेंगे तो पहले के जो वर्ज़न के आते थे एंड्रॉयड उसमें कुछ गेम्स वगैरह आया करती थी। इसमें ये घड़ी आ रही है 11 में, पता नहीं क्या क्या 11 में भी कुछ ऐसा ही कुछ था जो राउंड करके पूरा 11 लेके आ जाते, लेकिन पता नहीं इसका मतलब क्या है। उसे बना दिया गया एक थीम एंड्रॉयड की। बाकी इसके अलावा मुझे जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा लगा, बजट सेगमेंट फ़ोन है, किसी को भी स्टार्ट करना है वो ले सकता है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। जिसको नॉर्मल फ़ोन यूज़ करना है सस्ता और अच्छा टिकाऊ, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप Redmi A1 लीजिए और बढ़िया से इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। कलर भी काफ़ी अच्छा है और लेदर लुक है, आपको 3 कलर इसमें देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ रहे।